अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद समीउल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समी TV5। ये मेरे पास एक रिसीवर है F1 F2 ग्रीन गोटू वाला रिसीवर, ये रेड लाइट शो करा रहा है। तो आज इसका ये फॉल्ट हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं जी। मैंने इस रिसीवर को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैं इसको पावर दे के इसके वोल्टेज चेक कर रहा था कि इसको क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इस सप्लाई के वोल्टेज चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं 5 वोल्ट, ये भी ठीक आ रहे हैं, ये नेगेटिव, और ये 15 वोल्ट 16 वोल्ट, ये भी ठीक आ रहे हैं, और ये 20 21 वोल्टेज, ये भी ठीक आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके रेगुलेटर लगे हुए होते हैं, तो सबसे पहले इसकी रेगुलेटर की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस रेगुलेटर पर 3.27 वोल्टेज आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, और ये भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। और इसके साथ ये छोटा रेगुलेटर लगा होता है, 1.5 वोल्ट यहाँ पर आता है, और ये आप देख सकते हैं कि 1.11 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्लैश करके देख लेते हैं, फ्लैश करके भी देख लेते हैं जी। मैंने इसका फ्लैश कर दिया। फ्लैश करने के बावजूद हमारा रिसीवर तभी रेड लाइट पर शो करा रहा है। तो इसका जो मेन मसला है वो हमारे मेन आईसी का मसला है। तो सबसे पहले हम इसकी मेन आईसी का थोड़ा सा वॉश करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले आपने पेस्ट मेन आईसी की जगह पर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद आपने हल्की सी हीट गन इसको लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ी हल्की सी हीट लगाई है मेन आईसी को। तो इसके बाद मैं आपको पावर देते हैं, तो चेक कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा रिसीवर मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।